और जो है जैसा कि आपने देखा पूरिया अभी बन रही है। तो निमंत्रण था एक बंदे को, एक थाली जानी चाहिए थी घर से, लेकिन एक पूरी के बहाने पूरा खाना एक बंदे का खाना ये ले आई। छोड़ 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 छोड़, तो ये तोड़ दिया इसने। इस साइड से यहाँ पे डालना, ठीक है? हाँ, मैं उठा देता हूँ। तो सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9। नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, हितांशी और उसकी मम्मी कर रहे हैं नाश्ता अभी। सब्जी कौन सी है बेटा आज? अच्छी। कौन सी वाली सब्जी है? हरी सब्जी। हरी सब्जी। तो सब्जी ये है उगाओ की सब्जी, हरी सब्जी और रोटी है। तो आज जो है हमारे ईस्ट नौलिंग देवता मंदिर में कथा है, गांव में किसी की है, मतलब कथा पूरी सामूहिक कथा नहीं है। तो निमंत्रण है और जो है मैं जा रहा हूँ अभी मंदिर में, तो अभी मैं चलता हूँ मंदिर में, ठीक? यार उसे लगा रहे भाई, मैं तो मंदिर में आ रही ना। मंदिर अलग, मंदिर अलग होने दी, घर अलग लगे है। बिल्कुल। ओम भद्रमस्तु शिवम सास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा। अरे मुंबई की चाचा जी है और ही बैठे पप्पू जी के घर में। पप्पू जी ठीक ठाक? मैं ठीक। तो अभी आप देख सकते हैं किचन में मैं हो चुका हूँ इंटर, और यहाँ पे देखिए सब्जी की तैयारी चल रही है, हलवे की तैयारी चल रही है। यह है गोभी की सब्जी, यह है शिमला मिर्च, ठीक, और यहाँ पे जो है ककड़ी। तो अभी टाइम जो है 10:30 हो चुके हैं, और जो जैसे ही मैं मंदिर में इंटर हुआ, मंदिर में प्रवेश मैंने किया, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाया नहीं। यहाँ पे सब्जी काटने का काम चल रहा था और जो काम है वो चल रहे थे, तो बिना वीडियो बनाए मैंने पहले जो है काम करने के लिए इंटर किया, मतलब काम किया पहले, सब्जी वब्जी काटी, काफ़ी सारे लोग थे, सब्जी वब्जी काटी, जो काम थे वो किए, उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया, उसके बाद वीडियो बनाई, ठीक। आज वैसे भी काम करने वाले जो है ना, काम करने वाला ग्रुप जो है बाहर से बुलाया है, मतलब पाँच से छः लोग बुलाए हैं बाहर से, क्योंकि गांव में वैसे भी आजकल कम लोग हैं ना, तो थोड़ा भरोसा टाइप का नहीं होता है, तो उस चक्कर में उसके बाद ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो अभी, और अभी हितांशी आने वाली ऊपर, हितांशी की मम्मी पहुँचाएगी गेट तक, तो मैं जाऊँगा अभी नीचे और लेके आता हूँ हितांशी को, थोड़ी देर घूम लेगी हितांशी। निमंत्रण एक को है तो खाने के लिए भी एक ही आएगा, या मैं आऊँगा या हितांशी की मम्मी आएगी। और तांसे जल्दी आ, चल के आ, चल के चल के। तो फाइनली ये आ चुकी है, आ जा नीचे रखो उसको, आ जा, उंगली पकड़, उंगली गोदी में, उंगली पकड़ ना, उंगली पकड़ के जा, चल ठीक है, बाय बोल मम्मी। हम चलते हैं मंदिर, अभी इसको पैदल नहीं चलना है, अभी बोल रही गोदी में चलती हूँ मैं, तो गोदी में चलेगी ना अभी, चलो सही हो रहा है। तो अभी हितांशी को मैं नीचे देखे आता हूँ, पूरी पूरियाँ डालने का टाइम हो चुका है। तो जैसे ही मैं पूरियों के लिए पूरियाँ बनाने के लिए जा रहा था ना, तो ये कर रही है परेशान, गोद में ले गोद में ले, तो काम नहीं करने दे रही है, तो इसको मैं इसके मम्मी के हवाले कर देता हूँ अभी, ठीक। मैं आ चुका हूँ नीचे, तो दोबारा से आ चुकी है यहाँ पे। कोई नहीं है दोस्त, कौन है फिर? बाय बाय बाय। तो मैं अब चलता हूँ ऊपर, पूरियाँ बनाते हैं अब, ठीक। फ्रेश
तो अभी टाइम जो है 12:30 हो चुके हैं और जो है जैसा कि आपने देखा पूरियां अभी बन रही हैं। दो प्रकार की सब्जी अभी बनी है, एक सब्जी बन चुकी है और दूसरी सब्जी बनने में अभी 10 से 15 मिनट है और पूरियां बनने में अभी कम से कम आधा घंटा है। ठीक, तो खाते टाइम जब खाने का टाइम हो जाएगा ना तो उस टाइम पर मैं नीचे जाऊँगा, शायद हो सकता है अभी मैं नीचे जाऊँ। ठीक, तो हितांशी की मम्मी आएगी ऊपर खाने के लिए और तो एक दो पूरियां मेरे लिए भी ले आएगी फिर नीचे। ठीक, और जितना काम मेरे हाथ का है वो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ अभी, मतलब ये मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा टाइम लग ही जाएगा अभी। तो अभी टाइम जो है 1 बज चुके हैं तो मैं आ चुका हूँ नीचे को, अब थोड़ा मैं रेस्ट करूँगा और उसके बाद जो है खाना बनने के टाइम पर हितांशी की मम्मी को शायद मैं भेज दूँगा, एक बार फ़ोन करूँगा, मतलब खाना बना नहीं बना कितना टाइम है, उसके बाद हितांशी की मम्मी चली जाएगी खाने के लिए। ठीक, मैं चलता हूँ नीचे, थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि पूरियाँ बनाते बनाते ना कमर में हो रही है दर्द है भी थोड़ा सा, मतलब एकदम एक पोजीशन पे कंटिन्यू हम लोग बैठे रहना तो कमर में दर्द हो ही जाती है, तो थोड़ा सा रेस्ट मैं कर लेता हूँ, तब तक खाना भी बन जाएगा तो भेज दूँगा मैं उसको। ठीक, और तब तक हितांशी को मैं ही देखूँगा मतलब। ठीक, गाय गाय गाय। तो मैं पहुंच चुका हूं घर पे, ये लोग शायद सोए हैं, देखते हैं। है ये क्या कर रही है? ये अरे मोबाइल पे लगी है, अरे यहाँ पे सोई है, ये थोड़ी सी भूख मुझे लगी है तो कुछ बचा खुचा कुछ भी मतलब अंदर से खा लेता हूँ, भूख मतलब टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाने की आदत है ना मुझे, टाइम टू टाइम एक एक दो दो घंटे में कुछ भी मिल जाए थोड़ा थोड़ा। क्या? हाँ जूस दे, फिर पिला मुझे जूस। इसमें बना रखा है इसने जूस, ये एक्चुअल में जूस है। तो ये लोग तैयार हो चुके हैं और ये थाली वाली लेके ये लोग जाने लग गए हैं। बाय टाटा। टाटा। ओके, मेरे लिए भी लाना। हाँ ओके, बाय बाय। पूरी लाऊंगी, पूरा लाऊंगी। हाँ और बोल दीदी, और बोल। तो ये आ चुकी है, ये लोग आ चुके हैं खाना खा के। खाने में क्या क्या था देखिए, सब्जी है, पनीर की सब्जी है, ये मिक्स सब्जी है, हलवा है, रायता है, खीरा है, हरी मिर्च है, खीर है और ये और अचार ले लो, अचार भी है। इट इट में खा रही हूं। नहीं खा, मम्मी ने मुझे नहीं खिलाया। नहीं खिलाया? नहीं। क्यों नहीं खिलाया बेटा? मैं आप खाओ यहां अंदर जाके खाओ। और ये है हितांशी की थाली और ये है इसकी मम्मी की थाली। 4 बज चुके हैं, 4 बजे खाना हुआ, मतलब कंप्लीट एक कथा अगर ईस्ट नॉर्निंग देवता के मंदिर में होते तो 4 बजे लास्ट टाइम 4 बजे तक हो जाती है मतलब। ठीक, तो निमंत्रण था एक बंदे को, ठीक है, लेकिन हितांशी गई, इसकी मम्मी या दो लोग चले गए। मैं तो ऐसे काम करने गया था, काम वाम किया मैंने, खाते टाइम ये गए थे, एक थाली जानी चाहिए थी घर से, लेकिन हितांशी भी अपनी बड़ी वाली थाली लेके गई। हालांकि हितांशी तो एक पूरी खाती है लेकिन एक पूरी के बहाने पूरा खाना एक बंदे का खाना ये ले आई। कहो एक बंदे का, दिखाओ दे, दिखा दिखा दिखा, दिखा दो इसमें। तो हितांशी वैसे छोटी है, ठीक, तो छोटे बच्चों को हम एक एक बंदे एक को एक सदस्य को अगर निमंत्रण होता है तो बच्चे को तो ले जा सकते हैं। ठीक है, नहीं एक को निमंत्रण है तो बच्चे को तो ले जाना ही हुआ, लेकिन बच्चा क्या इतना खाता है? बच्चा क्या ये बच्चा इतना खाता है? निमंत्रण एक सदस्य को है तो हितांशी गई और इसी बहाने खाना ले आई है, पनीर की सब्जी इतना खाएगी है तो शायद ये एक कटोरा ले गई थी, इसमें तो इसने खाया नहीं होगा, लेकिन ये कटोरा हमारे वहाँ पे समस्या ये होती है ना, कोई भी कामकाज हो, कोई भी मंदिर में पूजा हो या कहीं भी कोई फंक्शन हो ना, चाहे निमंत्रण एक को हो या पूरे परिवार को, जो ज़्यादातर मतलब केसेस में पाया जाता है कि जो लेडीज़ लोग जाते हैं ना फंक्शन में तो अपना तो खाते हैं तो थोड़ा सा कोटा वो ले आते हैं, जिस वजह से जो है ना जो भी फंक्शन होता है, जो भी कामकाज होता है, वहाँ पे खाने की जो मतलब सब्जी की खपत जो होती है ना थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 5 बज चुके हैं और जो है अभी थोड़ा सिंचाई करने का टाइम हो चुका है अभी, मतलब जो हमारे खेत में बीन्स, भिंडी, उगव, शिमला मिर्च, बैगन के पेड़, करेला, सारी सब्जियां हमने लगाई हैं, फूल के पेड़ भी इसमें लगाए हैं, तो इसकी थोड़ी सी सिंचाई मैं करता हूँ, पानी वानी डाल देता हूँ शाम को, मतलब हम लोग डेली डालते हैं इसमें पानी, इसके बाद मैं डालूँगा फर्श में पानी अंदर किचन में। ठीक, तो मैं डालता हूँ फिर पानी। तो यह करेले का पेड़,
ठीक है। और यह काजी नींबू का पेड़, वह मिर्च, तो सारी सब्जियां हमने जो है ना इस खेत में लगाई है। हालांकि छोटा सा खेत है। क्या हुआ? मुझे नहीं पाला। क्या? तो ये है उगाऊ, उगाऊ के ये पेड़ मुरझा गए हैं, तो थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा तरोताजा ये पेड़ हो जाएंगे। अभी मुझे देखो यार, मुझे देखो यार, दिन भर मुझे बीजू बना, ये देखो। यहाँ पे क्यों डाल रही है? यहाँ पे क्या है? उधर को डालना हो, यहाँ पे खाली क्यों डाल रही? बर्बाद कर रही है पानी तू। तो दिन भर धूप की वजह से ना जो हमारे उगाऊ के पेड़ हैं, बिन्से के पेड़ हैं, ये मुरझा गए ना। तो अगर उगाऊ के पेड़ में ऐसे ही मैं पानी डाल दूंगा ऊपर से, थोड़ा फ्रेशनेस इनमें आ जाएगी, क्योंकि मुरझा चुके हैं अभी दिन में। आजकल आपको पता है अप्रैल जाने वाला है, कल से मई लग जाएगा और गर्मी खतरनाक वाली होने लगी है। पानी इनमें पड़ेगा, थोड़ा फ्रेशनेस, तरोताज़ा ये पेड़ हो जाएंगे, थोड़ी सी जान इनमें आ जाएगी। अब जो है हितांशी को पता लग चुका है मैं जा रहा हूँ छत पे, और हितांशी को भी आना है, और पहले इसी को जाना उधर। इसमें डाल रहा हूँ, इसमें नहीं, हाँ इससे हो जाएगा, बोलो छोड़ इसको, गंदा है पानी। अरे यार इससे हो जाएगा पानी, वहाँ 3-4 पेड़ है, इससे हो जाएगा, ज़्यादा है पानी, फिर इसको ले जाएगा क्या करेंगे, बर्बाद नहीं हो जाएगा पानी? पानी बर्बाद हो जाएगा ना बेटा, इसको रख दो ही साहब। चलो अब इसको आप नहीं ले जा पाओगे, मैं ले जाता हूँ। हाँ इसको ले जाओ, चलो शाबाश, चलो चलो। हाँ ये कब में ले जाएगी? तो अरे गिर रहा है, इसमें डाल दे थोड़ा, ले आधा ही ले जा ले। चलो 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 शाबाश। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं छत पे, और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी के पेड़ है। इस साइड को हमारे जैसे तुरई है, लौकी है, कद्दू है, इस टाइप के पेड़ हैं, सब्जियों के पेड़। कुछ पॉलीथीन में हमने लगाए हैं कुछ पेड़, कुछ डिब्बों में लगाए हैं। थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद शिफ्ट कर देंगे हम लोग खेतों में इसको, इनको। ठीक, इसमें भी डालो, सब में डालो, थोड़ा थोड़ा आराम से डालना, जोर से नहीं, आराम से, आराम से, नहीं तो पेड़ उखड़ जाएंगे। इसमें यहाँ से डालो, यहाँ से, यहाँ से डालो, तब जाएगा, नहीं तो पेड़ टूट जाएगा ना। आप उठो, आप उठो, आप, हाँ मैं भी। सिर्फ आधा कप, आधा कप, हाँ इसमें डालो, इसमें नहीं डाला, उसमें डाल दिया, इसमें डालो, हाँ इसमें डालो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, आराम से डालना साइड से, हाँ यहाँ से डाले, ऐसे डाले, ऐसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, ऐसे इसमें यहाँ पे डालना पानी। ठीक, मैं बोलूँगा अभी, डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, शाबाश शाबाश शाबाश, इसमें डालना, इसमें, इसमें। मैं उठा देता हूँ, आजा चल डाल, कहीं यहाँ से गिरे ना, यहाँ से इस साइड को मुझे आना पड़ेगा। तो हितांशी पहली बार इस टाइप का काम करते हुए, इस पर डालो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अब इसमें डालो, इसमें इसमें, हाँ शाबाश, डाल डाल डाल, आराम से, जल्दीबाजी नहीं, यहाँ से नहीं डालते ना पानी, किनारे से डालते बेटा, यहाँ से डाल, यहाँ से, हाँ आराम से आराम से, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, डालते रहो डालते रहो, हाँ हाँ शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। अब आधा कप निकालो, इस साइड से यहाँ पे डालना, ठीक है, हाँ मैं उठा देता हूँ, ऐसे मत रखो, रुको आ जाओ, हाँ सब डालो, वेरी गुड, यहाँ पे किनारे, यहाँ पे डालो, यहाँ पे शाबाश, आराम आराम से, हाँ शाबाश, वेरी गुड, ये बाल्टी को अभी नहीं ले जाने देती, इसने बड़ा काम किया है तो उसको प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर, तो ये बाल्टी इसने मुझे दे दी अभी ले जाने के लिए, तू ले जा, मैंने पानी डाल दिया, तू लेके जा, मतलब चल चल आराम से चल। मैंने डाल दिया ना, हाँ आज मैंने पानी डाला। हमारे जो सब्जी के पेड़ थे, सब्जी के पेड़ और फलों के पेड़ों में, फलों के पेड़, सब्जी के पेड़ में मैंने पानी डाला, बोल पहले बोल, तो नहीं उसको मत तोड़, मत तोड़, कल खाएगी, पकेगा पकेगा तो कल खाएगी, कल खाएगी बेटा, तो बर्बाद हो जाएगा बेटा, कल खाएगी, छोड़ 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 छोड़, तो ये तोड़ दिया इसने यार। शाबाड़ी क्या है? शाबाड़ी क्या है? अरे शाबाड़ी, इनको बताना, सबको बता क्या है,
स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी बोल दे स्ट्रॉबेरी हाँ ये स्ट्रॉबेरी से कच्चा रुका मैं दिखा रहा हूँ उसको इसे कच्चा तोड़ दिया अभी ये पकने में एक दो दिन में पक जाता है ला बिला आधा मुझे दे आधा मुझे दे आधा मुझे दे दो ला मैं दूंगा आधा आपको ला तो अभी पानी डालने का काम हो चुका है सब्जी के जितने पेड़ थे फलों के जो पेड़ हमने लगाए थे उनमें भी हम पानी डाल चुके हैं अब जो है जो अंदर फर्श है किचन वाला उसमें भी मैं पानी डालता हूँ आई होप ये पूरी वीडियो ये पूरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाइए क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टाटा Good night.